स्लो स्लो वॉकिंग है। गेट तक जाओ, गेट तक, पूरा गेट तक। आ जाओ, लिंपिंग भी आ गया। ठीक है, क्या नाम है आपका? शिवानी। कहाँ से आए हैं? पुणे। अभी कहाँ पे दर्द हो रहा है? इधर पे दर्द, इधर से इधर तक पेन। ओके, ठीक है। दूसरे पैर में? इधर कोई पेन नहीं है। अब जरा पैर ऐसे उठा के दिखाओ, रोक के रखो थोड़ी देर। ये तो उठ रुक रहा है, वो वाला नहीं। हाँ मगर रुक रहा है, वेट उसमें डल रहा है ना, दूसरे वाले में हो रहा है। ठीक है, चलिए पैर फैलाइए। कोई पेन आया? कोई पेन नहीं है। थोड़ा और करो, अभी आया। अंदर साइड में कोई पेन? बाहर साइड? हाँ हाँ हाँ, बस छोड़ो। रात को सोते समय पेन आता है? और चेयर से उठने बैठने में पेन? ज़्यादा देर उठ गए, मतलब बैठ गए, जैसे आधा घंटा बैठ गए, एक घंटा बैठ गए तो दर्द होता है। एक्सरसाइज किया मेरा वाला? कितने दिन किया? 20 दिन किया। कुछ फर्क दिखा उसके बाद? पहले मुझे चलना नहीं आता था, सपोर्ट लेके चलती थी, अभी खुद चल। ठीक ठीक है, तो अभी देखते हैं ये 7 डेज में कितना चल रहा है। आ जाओ, ठीक है। तो शिवानी काम लीजिए, ये आपकी सेकंड फिटिंग हो गई, तो अभी कैसा लग रहा है आपको? अभी बेटर लग रहा है। बेटर लग रहा है, तो इससे तो बेटर है। ओके, क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं? जैसे नी में जो पेन था वो तो पेन अभी नहीं है। ठीक है। चलने में भी जो दिक्कत थी बहुत, मैं लिंपिंग कर रही थी, वो भी अभी नहीं है। वो भी अभी नहीं है। पहली सेटिंग में भी इम्प्रूवमेंट मिला था यहाँ से? हाँ, पहले सेटिंग में तो बहुत सारा मिला था, बहुत सारा मिला था। घर जाने के बाद तो ऐसा लगता नहीं था कि तो सेकंड में अब और इम्प्रूवमेंट है। हाँ, अभी घर जाके तो मिलेगा, घर जाके अभी और। तो ट्रीटमेंट कैसा लगा? ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, स्टाफ भी अच्छे, सब अच्छा। ट्रीटमेंट से हैप्पी? बहुत हैप्पी। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ डॉक्टर विजय प्रकाश फ्रॉम सौभाग आयुर्वेद शारदा नगर कानपुर, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर एट सौभाग आयुर्वेद, स्पेशलिस्ट इन एवियन एंड स्पाइन एंड जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स, एवियन की सीरीज में एक पेशेंट और है, मिस्टर शिवानी कांबले जी, और ये इनकी सेकंड सिटिंग है। 2 सिटिंग इनकी हो चुकी है, तो इनका एक्सपीरियंस बड़ा मायने रखता है। इनको भी एवियन की समस्या थी, जानेंगे सबसे पहले इनसे। बट सबसे पहले शिवानी जी से नमस्कार। नमस्कार शिवानी जी, बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग कब आपको कैसे पेन हुआ? फर्स्ट टाइम मुझे पेन हुआ था तब मेरा फर्स्ट सिटिंग हो गए, अभी ये मेरा सेकंड सिटिंग है। तो सेकंड सिटिंग में तो अच्छा रिलीफ मिला है। सेकंड सिटिंग में जब आई थी तब तो बहुत पेन था, लिंपिंग भी बहुत थी, चलने में इतनी दिक्कत हो रही थी, मुझे रोना आया था। अभी तो ठीक है, मैंने ब्लड कपिंग भी करवाया, ब्लड कपिंग से तो बहुत आराम है, कल ही करवाया और आज तो मुझे बहुत आराम है और अच्छा भी लग रहा है, लिंपिंग भी नहीं है। और घर जाने के बाद तो बहुत सारा आराम मिलता है, अच्छा लगता है, ऐसा लगता भी नहीं कुछ मुझे एवियन हुआ है करके, तो बहुत बेटर है। मेरा सलाह तो ये भी है कि जिसको भी एवियन हुआ होगा तो आप इधर आ जाओ और यहाँ का ट्रीटमेंट ले लो, सब अच्छा है, सर भी हमारे बहुत अच्छे हैं और स्टाफ भी अच्छा है, ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छी है, तो आ जाओ आप भी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शिवानी जी आपका। और आप सभी व्यूवर जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं, क्योंकि 2 सिटिंग हो गया है। पहली सिटिंग में थोड़ा इंप्रूवमेंट मिला, दूसरी सिटिंग में थोड़ा और इंप्रूवमेंट मिला, ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट होता ही जा रहा है। तो इस तरह से इंप्रूवमेंट आपको भी हो सकता है। आप लोग घर पे एक्सरसाइज करना स्टार्ट कीजिए और आप देखेंगे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाएंगे तो आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट मिलेगा, और जैसे ही आप कानपुर आएंगे तो आपको और अच्छा इंप्रूवमेंट मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिले। टिल देन नमस्कार।